हाँ जी स्टूडेंट्स बातचीत स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंफर्म करें आप लोग कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपना थर्ड हुआ कि फोर्थ क्लास हुआ थर्ड करेक्ट है करेक्ट है थर्ड है करेक्ट है करेक्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पार्ट थ्री में अपने लोग हैं एवरीवन प्लीज लिसन केयरफुली फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड अपने लोग किए हैं दो पार्ट्स के अंदर ना वो ये है कि नंबर वन दैट इज क्लास नंबर वन पार्ट वन का मैं बता दे रहा हूं आप लोग को पार्ट वन में अपने बहुत बेसिक्स किए थे कि कोई इक्वेशन यू नो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है इस बात का आपको पता कैसे लगता है एवरी वन प्लीज पे अटेंशन कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं इस बात का आप लोगों को केवल पता कैसे लगता है वी हैड अंडरस्टूड इन द पार्ट वन तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चेक कि भैया फर्दर इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट इसके ऊपर चर्चा हुआ था पार्ट में मैंने आप लोग को बताया कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो सोल्यूशन होता है क्यों क्योंकि उसका जो डिग्री होता है वो भी टू होता है भूल तो यह देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू दोस्तों जीरो होता है तो अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं यदि वेरिएबल यहाँ पर एक्स है पावर कितना है देखिए टू है पावर देखिए कितना है टू है वेरिएबल अगर एक्स है पावर यदि टू है एवरीबडी सो दिस इज वॉट आई हेड एक्सप्लेन टू यू ऑल कि जो भी डिग्री होता है उतना ही रूट्स होता है जितना भी डिग्री होता है यानी डिग्री टू है तो जो नंबर ऑफ रूट्स है या नंबर ऑफ जीरोस है वो भी दोस्तों कितना होगा बताइए टू ही होगा और पार्ट टू में ये रूट्स को निकालने का तरीका हम लोग सीखे थे द मैथड वॉस कोड्रिक फॉर्मूला श्रैश श्री ये फॉर्मूला के अंदर मैंने क्या बोला कुछ नहीं इट इज अ पूरा रोबोटिक स्टाइल गेम कि आपको फॉर्मूला पता है आंसर वैल्यू डालो आंसर पाओ इट वेंट समथिंग लाइक एवरीबडी एक्स इक्वल्स टू ध्यान देंगे माइनस बी प्लस माइनस बोलो बोलो एक बार और एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी रूट ओवर होल डिडेड बाई टू है माइनस फोर एसी होल डिवाइडेड बाई टू है तो पार्ट टू में हम लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक स्लैश यू नो आपका ये वाला फॉर्मूला सिद्धराचार्य फॉर्मूला आज अपने लोग आ चुके हैं ध्यान देंगे सारे के सारे लोग पार्ट थ्री में जहां पे मैं आपसे बात करने वाला हूं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के बारे में वेर आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हर्षित यस और नो यार मिडिल टर्म हर्षित आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों का अपडेटेड है सारा काम वरना अटक जाओगे दिक्कत होगा हाँ बिल्कुल डाउट आर मोस्ट वेलकम

दोस्तों एक लैंग्वेज आप लोगों को ध्यान रखना है द लैंग्वेज गोज लाइक सॉल्व फॉर एक्स इस तरीके का जो लैंग्वेज है यू विल फाइंड आउट सॉल्व फॉर एक्स टाइप का लैंग्वेज आप लोगों को ढूंढने को मिलेगा तो जब सॉल्व फॉर एक्स टाइप का लैंग्वेज मिले तो इसका मतलब व्हाट डज इट मीन अथर्व कि आपको एक्स का वैल्यू निकालना है ठीक है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन अगर किसी का नहीं किया हुआ रहता है ना पहले तो दे फाइंड इट टू बी अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड दे फाइंड इट अ लिटिल टू कॉम्प्लीकेटेड तो इसलिए बोल रहे ध्यान तो सुनिएगा सर तो यहां पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन है एक्स इंटू टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू ट्वेंटी फाइव एक्स इंटू टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू ट्वेंटी फाइव या ध्यान दीजिए x इंटू टू एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव है एवरीबडी देखिए अपने को करना क्या है दोस्त x और 2x आपने मल्टीप्लाई कर दिया है ना टू एक्स स्क्वायर आप लोगों का आया बराबर है जी फिर मैं बोलता हूँ x इंटू फाइव कर लो तो आप लोगों का 5x आ गया है ना इक्वल्स टू दोस्तों आपका आया 25 कितना आया जी 25 आया मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को कि, हाँ थैंक यू ट्वेंटी फाइव को पहले इधर ले आए माइनस ट्वेंटी फाइव तो व्हाट इज ब्रॉडर गोल कि आप सब कुछ एक तरफ अथर्व ध्यान से तो सुनेंगे अभिनव ध्यान से तो सुनेंगे सर हर ध्यान से तो सुनना सब कुछ एक तरफ अपने को कर लेना है विधि क्लियर है जी अक्षिता मुद्रिका केशव अब केशव एंड एवरीबडी ध्यान से तो सुनिएगा हिमाक्षी मैं ये बोल रहा हूं आप लोगों को एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन देखिए यहां पर एक्सक्वायर के सामने क्या है बोलो टू है तो ए हो गया टू दोस्तों के सामने क्या है बोलो फाइव है तो बी हो गया फाइव। और ये जो अकेला बैठा ये क्या हो गया माइनस ट्वेंटी फाइव हा या ना अगर ये मिडिल अगर ये सिद्धराचार्य होता तो आप लोग को पता मैं क्या किया होता झट से ये वाला वैल्यूज या ये वाला कॉन्सेप्ट बी स्क्वायर बी माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल डिवाइडेड बाई टू ऐसा मैंने यूज कर लिया होता यू नो बट इन स्टेड यहाँ ऐसा नहीं होगा प्लीज कायदे से सुनिएगा यहां दिमाग लगेगा नथिंग इज फ्री प्लीज दिमाग लगेगा यहाँ करना क्या है दोस्त आपको किसी को पता है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा पहला एक दो है आपका ए जो है आपका इसको आप सी से मल्टीप्लाई करेंगे बता रहा हूं। तो माइनस फिफ्टी तो आ जाएगा टू इंटू माइनस ट्वेंटी फाइव करोगे तो क्या आ जाएगा बोलो माइनस फिफ्टी ये बात समझ में आया अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग को बीच वाला जो नंबर है आप लोगों को अब ध्यान से समझना है माइनस फिफ्टी आने का मतलब है कि दुनिया में आपको दो नंबर ढूंढना है कितना नंबर दो रिलैक्स एंड लिसन दुनिया में आपको दो ऐसा नंबर ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस फिफ्टी आए सर ये तो टू और माइनस ट्वेंटी के साथ ही हो जा रहा है अरे पूरा सुनो दुनिया में आपको दो नंबर सुन ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करके माइनस आए अथर माइनस मेरे पास कहां से आया ए और सी को मल्टीप्लाई करके यस और नो पर कंडीशन है कि जो तुम दो नंबर सोचोगे रुद्रांश बाबू तुम जो दो नंबर सोचोगे राशि जो तुम दो नंबर सोचोगे उसका कंडीशन ये रहने वाला है उसका कंडीशन ये रहने वाला है कि वही दो नंबर्स को आपस में 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 प्लस माइनस करके वही दो नंबर्स को आपस आप में प्लस माइनस करके आपको बी लेकर आना है। मतलब मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए ए सी और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए बी तो डियर स्टूडेंट्स कुछ नंबर टफ होंगे कुछ इजी। मैं एक ही फॉर्मूला जानता हूं वो ये है कि जो भी नंबर है ना उसको फैक्टराइज़ कर दो क्या कर दो मतलब देखो फाइव टेन साइव टू झा टू वन जा, या ना अब इधर देखो दोस्तों फाइव और टेन हा या ना फाइव प्लस टेन तो देखो फिफ्टीन होता है और फाइव इंटू टेन फिफ्टी होता है या ना तो बात तो बन नहीं रहा क्यों ना अच्छा अब हम लोग को प्लस फाइव चाहिए क्या चाहिए दोस्तों अब दोस्तों अगर चाहिए दुनिया में प्लस फाइव दो तरीके से आ सकता है एक टेन माइनस फाइव करके आ सकता है अगर और अगर माइनस फाइव लाना है तो माइनस टेन प्लस फाइव करके आ सकता है हाँ या ना बोलो लेकिन मेरे को चाहिए क्या बोलो प्लस फाइव कैसे क्योंकि आपको वो चाहिए होता है दोस्त जो बीच वाला होता है यानी कि बी चाहिए होता है तो रुद्रांश समझ में आया होगा हर्षित समझ आया होगा कि इसका मतलब एक है प्लस टेन और एक है माइनस फाइव सो आप देखिए इसको इलेबोरेट कर रहे हैं यहां ध्यान दीजिए दैट इंप्लाई टू एक्स स्क्वायर फाइव एक्स लाना है अपने को तो क्या होगा टेन एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल्स टू जीरो ट इंप्लाइज इन दोनों में बाबू आप लोग देखिए टू एक्स कॉमन है क्या कॉमन है बाबू टू एक्स कॉमन है टू एक्स स्क्वायर में टू एक्स गायब हो गया तो एक्स बचा और यहां बचा फाइव माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है माइनस हाँ या ना बोलो और क्या आया बोलो एक्स प्लस फाइव समझ आया होगा हाँ या ना बोलिए सर अब मैं ये बोल रहा हूं आप लोगों को कि बाबू इधर दोनों जगह एक्स प्लस फाइव है आप लोग देखें तो बाबू ऐसा है कि एक्स प्लस फाइव अगर आप लोग ले लीजिएगा तो टू एक्स माइनस फाइव आ जाएगा नहीं क्या बस बात खत्म हो गया दोस्त दोस्त बात खत्म यदि एक्स प्लस फाइव जीरो है यदि एक्स प्लस फाइव जीरो है तो एक्स हो गया माइनस फाइव और यदि टू एक्स माइनस फाइव जीरो है तो टू एक्स हो गया फाइव यानी एक्स हो गया बोलो 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 फाइव बाई टू एंड देर इट इज देर लाइज योर आंसर देर हाइड्स योर आंसर चेक कर लें आप लोग प्लीज अ लुक गाइस डाउट है अभी पूछो परेशान मत करो ना हो परेशान खुद किसको किसको क्लियर है हाथ उठाना ईमानदारी से ऑनलाइन में ऑनलाइन वालों को नहीं देख रहा हूं हर्षित का क्लियर है यशस्विनी व्हाट अबाउट यू हाँ जी सर सो so, चलिए आप लोग अब इसको कॉपी करिए मैं एकाद सम और करूंगा फिर मैं डाउट्स लास्ट क्लास से रिलेटेड पे आ जाऊँगा है ना मैं भूला नहीं हूं पहले ये कॉपी कर ले प्लीज लिखिए आप लोग क्या हुआ है भाई हाँ बिल्कुल है समझ आ रहा तो वेरी गुड आ रहा है बैठ जा ना ले ले कोई दिक्कत नहीं दोस्तों हो जाए तो बताइए हो गया क्या आगे बोले चलिए आगे बात करते हो गया क्या क्वेश्चन लिखे आप लोग थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस एट इक्वल्स टू जीरो अब ना ज, आप लोगों को करना है ये सॉल्व लेकिन तब तक मैं नाम लेते जाऊंगा और लोगों को आके अपना काम दिखाना है कि क्या क्या उन्होंने प्रैक्टिस किया है इन द पास्ट फ्यू डेज एंड जो लोग नहीं किए ऑफ कोर्स यू नो द सिंपल फार्मूला सिट आफ्टर द क्लास एंड डू क्योंकि मैंने बोला था आई चेक इट आफ्टर ईच एंड एवरी क्लास तो आप घर जाके तुरंत भेजिएगा ठीक है ना क्योंकि आपका प्रीवियस कोई रिकॉर्ड नहीं है कि आपने होमवर्क नहीं किया है तो इस वजह से आई कैन ट्रस्ट यू है ना एक मिनट गई ट्राई करें सो so, दोस्तों बात ऐसा है एवरीवन प्लीज पे अटेंशन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो आप लोगों को दिया हुआ है दैट इज ऑल राइट इसको सिंपल सा तरीका है करने का कि आप लोगों को पहले थ्री इन टू करना है क्यों क्योंकि ए की जगह पे थ्री है और सी की जगह पर एट है फिर से बोलता हूं क्योंकि दोस्तों ए की जगह पर थ्री है और सी की जगह पर एट है अब डियर स्टूडेंट्स आपको मल्टीप्लाई करना है तो थ्री इंटू एट क्या हो गया ट्वेंटी फोर अब बाबू ये चाहिए बी आप लोगों को तो ये माइनस फोर्टीन चाहिए आप लोग को है ना अब कुछ केसेस में क्या होगा मन शौर्य कि आप लोगों को ना तुरंत चमकेगा वैल्यू ट्वेल्व टू उदाहरण के तौर पर और कुछ कुछ अथर्स सोचना पड़ेगा एक कंडीशन है कुनाल एक कंडीशन है याद रखिएगा माइनस फोर्टीन चाहिए इंटू ट्वेंटी फोर है मन बोला ट्वेल्व प्लस टू तो मन को बोलना चुप कर ट्वेल्व प्लस टू प्लस फोर्टीन होता है आपको तो माइनस फोर्टीन चाहिए क्यों ना मैं माइनस ट्वेल्व और माइनस टू लू देखिए माइनस ट्वेल्व इंटू माइनस टू प्लस ट्वेंटी फोर होता है और माइनस ट्वेल्व माइनस टू अथर्व डू यू अग्री दोस्त सो यस ही इज अग्रींग सो डियर स्टूडेंट्स मैं क्या बोलता हूं सोल्यूशन सुनिएगा श्योर आप हिमाक्षी जी श्योर आप तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स टू कॉमन है तो ब्रैकेट आ गया इन दोनों में कॉमन है तो ब्रैकेट में, तो में आ गया एक्स माइनस फोर सो इंप्लाइज अगर इन दोनों में देखिए तो कॉमन क्या आया बोलो एक्स माइनस फोर और क्या आया बोलो थ्री एक्स माइनस टू हाँ ना बोलना पड़ेगा जी सो so, दोस्तों अब क्या है x माइनस फोर यदि जीरो है तो x बाबू फोर है और थ्री एक्स माइनस टू यदि जीरो है तो थ्री एक्स इक्वल्स टू टू है यानी x इक्वल्स टू टू बाई थ्री है वेरी वेरी गुड चलिए सर ये क्लियर है एक क्वेश्चन में और दे रहा हूं आप लोगों को और जब जिसका जिसका मैं नाम लेते जाऊं वो आके मेरे को लास्ट डे का प्रैक्टिस दिखाते चले है ना ओके okay. एंड ऑफकोर्स होमवर्क जब मैं बोल रहा हूं तो आई मीन द प्रैक्टिस ऑफ बोथर थिंग्स एक्सरसाइज वन एंड एक्सरसाइज राइट अभिनव आओ भाई बार ओके अभिनव और लाओ, थर्ड एक्सरसाइज का प्रैक्टिस, खासा, ये कुछ कुछ नेवा क्योंकि उनको दावा, लाउंड तो जरूर रहेगा जीवन भर जो हुआ हुआ हमको तो दिखाओ ये तो मेरा क्लास में कर रहा है वो अभी के डाउट क्वेश्चन पूछने जाओ पहले अभी तो चालू होगा पहले ही मार्क्सी का डाउट लेंगे तो तो मेरे को करके सबमिट कर दी थी लास्ट डे ही से क्या पूछेगा अभी हर्ष लाओ भाई बा तो क्या होगा आज बताओ हर्ष क्या होगा आज सेवेन थर्टी से प्रैक्टिस वेरी गुड और

क्लास के बाद बैठूंगा क्या शौर्य धीरे तो हाँ हाँ फाइव पॉइंट थ्री का अटेम्प्ट देखना है मेरे को हम ये थोड़ी बोले कि मेरे को एक एक सम चाहिए अच्छा ठीक है देखो तो तो आज क्लास के बाद बैठने वाले हैं अभिनव दिस वन अमन दो और तीसरा है ये कुणाल नहीं हर्ष है और एक और जन था तो तीन जन है ना आज ठीक है ठीक है चलो सही है चलिए बात करते हैं गाइस ध्यान देंगे सब केशव ये सब हो गया आपका ब्रिंग इट आई वॉन्ट टू सी कि कोई स्टेप जम्प नहीं हो रहा है बाबू स्टेप जम्प अवॉइड करेंगे सारे लोग बेटा गलत हो गया आपका पूछिए क्यों क्योंकि डियर हम लोग कर रहे हैं मिडिल टर्म आपने किया तो है पर आपने क्या यूज कर दिया श्री करना क्या है मिडिल टर्म क्या करना है करना क्या है मिडिल टर्म क्या आपने किया ठीक है बट किससे कर दिया सिद्धाराचार्य से गलत बात क्या गलत बात जाओ बैठो तो इधर पे ध्यान देना बच्चे ने सही सम किया दैट वाज़ द गुड न्यूज बट द प्रॉब्लम वाज़ कि मेथड वाज़ रॉन्ग ठीक है ना तो खैर केशव दिक्कत है तो जो लेकिन मेक श्योर द मेथड यू आर डूइंग यूजिंग इज करेक्ट कारण क्या है ना आपको एग्जाम में बोल दिया अगर प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड बच्चा अगर आपको एग्जाम में बोल दिया सॉल्व टर्म तो हो गया लंका लग गई इसलिए अपने लोग को जो है हर मेथड आना चाहिए राइट अब बाबू आप देखिए ए हिमाक्षी ए है थ्री रूट टू ए है थ्री रूट टू बाबू ध्यान दीजिए ए है थ्री रूट टू केशव लिखा क्या आपने लिखा बी इक्वल्स टू लिख लो फिर से माइनस फाइव सी टू माइनस रूट टू अब आप बाबू आप लोग ध्यान दीजिए आप लोगों को ए इंटू सी करना है केशव क्या करना है एग्जैक्टली ए इंटू सी अगर किसी एक को दिक्कत हो रहा है फॉर एग्जाम्पल केशव को मैंने टारगेट किया है इफ आई एम एबल टू हेल्प हिम आउट आई विल अज्यूम कि लोगों का हेल्प हो गया अभिनव का और अभिनव को भी हम फिर अभिनव से भी बात करेंगे ठीक है ना ए इंटू सी ए करना है पहले हम लोगों को क्या करना है बोलो ए इंटू सी तो देखिए आप लोग ए है थ्री रूट टू इंटू सी है बोलो माइनस रूट टू A है थ्री रूट टू और सी है माइनस रूट टू हा या ना बराबर है अब ध्यान दीजिएगा प्लीज एंड लेट मी टॉक टू वन पर्सन केशव आपसे बात कर रहा हूं मैं रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है केशव परफेक्ट तो थ्री इंटू टू दोस्त माइनस सिक्स हो गया बेसिकली बिकॉज माइनस रहेगा हा या ना सर अच्छा अब केशव व्हाट इज द गोल प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड आपको दुनिया में दो नंबर ढूंढना है केशव दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस सिक्स आए जिनको 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 करेक्ट और उन्हीं दो नंबर्स को और उन्हीं दो नंबर्स को सॉल्व करके चाहे वो प्लस हो आपस में चाहे माइनस हो आपस में माइनस फाइव आए केशव बात समझ में आया अब केशव अब देखो सिक्स मैंने लिया फैक्टराइज किया टू थ्री थ्री वन केशव ध्यान देंगे पहले दोस्त अगर अपन टू और थ्री ट्राई करें तो टू और थ्री से बाबू काम तो बन जाएगा अपना क्यों क्योंकि माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव तो होता है अगर मैं माइनस टू माइनस थ्री लू तो देखो मेरा माइनस फाइव आ तो गया पर केशव इट इज नॉट करेक्ट बिकॉज दोस्त जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपका प्लस सिक्स आता है जबकि वॉट डू यू नीड माइनस सिक्स तो केशव अब टू और थ्री का कॉम्बिनेशन काम नहीं कर रहा है तो दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है सिक्स और वन है या ना अब बाबू ऐसा है कि अगर मैं माइनस सिक्स इंटू वन किया तो माइनस सिक्स आया और माइनस सिक्स प्लस वन किया मतलब उन्हीं दो नंबर्स को देखो ना माइनस सिक्स और वन मल्टीप्लाई करके माइनस सिक्स और उन्हीं को जोड़ के क्या आया माइनस फाइव आया समझ में बात तो नाउ वी सॉल्व इट सो नाउ वी सॉल्व इट एवरी वन थ्री रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो है या ना बोलिए बराबर है सो so, दोस्त मैं ये कहने लग रहा हूँ आपको थ्री रूट टू एक्सक्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो है सो so, दोस्त मैं ये कहने लग रहा हूँ आपको कि इसमें डियर स्टूडेंट्स आपको करना यू है कि थ्री रूट टू एक्सक्वायर तो जो है वो है लेटेड भी थ्री रूट टू एक्सक्वायर तो जो है वो है इट बी फिर मैं क्या कह रहा हूँ आपको यदि माइनस फाइव एक्स है फ्रेंड्स यदि माइनस फाइव एक्स है सो व्हाट आई एम टेलिंग ईच वन ऑफ यू इज माइनस सिक्स एक्स प्लस वन एक्स करना है केशव नाम ही मिडिल टर्म इसलिए है क्योंकि जो तोड़ना है अपने को किसको तोड़ना है मिडिल टर्म को इसीलिए नाम है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हो गया दोस्त अब मैं क्या बोल रहा हूं हिमाक्षी राशि आप लोगों को इन दोनों में शौर्य है आप मेरे को बताओगे क्या कॉमन क्या? क्या जा रहा है अपना गलत बोल रहे हो इनकंप्लीट बोल रहे हो एक्चुअली सुनिए प्लीज एवरीवन प्लीज सुनिए बच्चा बोल रहा है कि इन दोनों में थ्री एक्स कॉमन है तो अक्षिता ये करेक्ट है कि गलत है क्या सही है सोचो ना क्योंकि इसके अंदर भी तो रूट टू है ना नहीं समझे इधर ध्यान दो बाबू ध्यान देना सारे के सारे लोग शौर्य से गलती हुआ एनी बडी कैन मेक दिस मिस्टेक थ्री इन टू मैं क्या बोल रहा हूं प्लीज ध्यान से सुनना अथर ये टू है अब मैं ये बोल रहा हूं बाबू अगर थ्री इंटू टू है तो टू को क्या मैं ये नहीं लिख सकता रूट टू इंटू रूट टू हाँ ना बोलना होगा देखो टू को मैं क्या ये नहीं लिख सकता बोलो 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 रूट टू इंटू रूट टू हाँ यहाँ ना बोलना पड़ेगा तो ये हो गया यहाँ पर थ्री रू टू एक्स कॉमन जिसमें एक्स निकल गया यहाँ पर अथर ध्यान दे भाई और यहाँ पे माइनस है अथर तुम देख सिक्स में थ्री रूट टू और रूट टू होता है तो थ्री रू टू तो हम कॉमन ले ही लिया तो बचा क्या बाबू रूट टू रूट टू क्या बचा मैं टू लिख देता हूं तुम अमन का सुन के बोले टू अब प्रॉब्लम देखो अथर्व यहां पे क्या हो रहा है प्रॉब्लम क्या हो रहा है थ्री रूट टू इंटू टू तो सिक्स रूट टू होता है अपने को तो सिक्स चाहिए तो ये रूट टू लेंगे अथर समझ आया नहीं आया भाई नहीं आया पूछ ले अक्षर अथर फिर से बोल रहा है पूछ ले और इन दोनों में अथर्व कुछ कॉमन दिख रहा है क्या नहीं जब कुछ कॉमन नहीं हो तो वन कॉमन लेते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका वन होता है समझ में आ गया जिसका कोई नहीं होता उसका वन होता है रियल लाइफ में भगवान बोलते हैं यहां पे वन बोलेंगे समझ में आ गया सो अब यहां पर अपने लोग लिखेंगे वन सर आप हम लोग को लाइफ लेसन भी दे देते हैं क्लास के साथ साथ इसका भी अलग से फीस ले लीजिए ओके कोई बात नहीं नेक्स्ट मंथ से बढ़ा देगा अब इधर ध्यान दीजिए तो वन कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या आ गया एक्स माइनस रूट टू एक्स माइनस रूट टू हाँ या ना बराबर है अब दोस्त अभिनव आप मेरे को बताओ इन दोनों में अपने को क्या कॉमन दिख रहा है परफेक्ट है yeah. अभिनव आंसर दे दिया आई थिंक सबने आंसर दे दिया एक्स माइनस रूट टू नहीं बिकॉज अभिनव क्लास की आवाज है इसलिए बोल रहा है एक्स माइनस रूट टू एक्स माइनस रूट टू कॉमन हो गया हाँ या ना एक्स माइनस रूट टू कॉमन है यस और नो तो अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग को थ्री रूट टू एक्स हो गया यहाँ पर सर और यहां पे सर प्लस वन हो गया केशव मेक श्योर नेक्स्ट सम इसी मेथड से करना है जब तक नेक्स्ट क्लास पूरा क्लास उसी मेथड से ना कर दे एक सम को सारा लोग मतलब सारा लोग हंड्रेड परसेंट तब तक हम डाउट्स नहीं लेने वाला है इसलिए प्लीज पे अटेंशन एवरीवन प्लीज पे X एक्स माइनस रूट टू अगर जीरो है डियर स्टूडेंट्स अगर थ्री रूट टू एक्स प्लस वन इक्व टू जीरो है थ्री रूट टू एक्स प्लस वन यदि जीरो है तो थ्री रूट टू एक्स इक्वल टू क्या आ गया बोलिए माइनस वन सो दोस्तों एक्स क्या आ गया बोलो माइनस वन बाई री रूट टू लेकिन एक मिनट अभी यहां पर पिक्चर बाकी है दुनिया में नीचे में नीचे में दो चीज कभी नहीं रहना चाहिए जीरो बोलो बोलो अगर तुम नीचे जीरो दोगे टीचर ऊपर जीरो देगा इसलिए डिनोमिनेटर में कभी भी नीचे में जीरो डिनोमिनेटर में कभी भी नीचे में जीरो डिनोमिनेटर में नीचे में कभी भी जीरो बुलाती है मगर जाने का नहीं याद है तो नीचे में कभी भी जीरो नहीं लिखना है और फाइनली 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 रूट टू है अगर थ्री रूट टू है सेम चीज नीचे में कभी भी रूट लगाने का नहीं नीचे में कभी भी रूट लगाने का नहीं अगर वो है, है। तो उसको खत्म करो यानी रूट टू है अगर तो इधर पे भी इंटू रूट टू इधर पे भी इंटू रूट टू और जो नीचे वही ऊपर तो यानी कि आपका आ गया दोस्तों माइनस रूट टू बात थ्री टू सिक्स दोस्तों ये और ये आंसर और एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं एक मिस्टेक जो आप लोग करते हैं ये खास करके वो स्टूडेंट्स हैं जिन लोग वो कैटेगरी में जो 98 99 वाली में है वो लोग क्या गलती करते हैं ना वो लोग क्या वो, वो लोग क्या गलती करते हैं वो लोग क्या गलती करते हैं ध्यान से तो सुनिएगा कि x इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल बच्चे का कहीं रूट टू यहाँ आया तो बच्चा यहाँ कहीं रूट टू लिख देगा और यहाँ कहीं माइनस रूट टू बाई सिक्स लिख देगा और दोनों आंसर आ गए और एक्सपेक्ट करेगा फुल मार्क्स है जबकि बच्चे ने पूरा सही किया है नहीं अपने को प्रेजेंट जब लास्ट स्टेप में आंसर कर रहे हैं प्रेजेंट कर रहे हैं प्रेजेंट कर रहे हैं तो बोथ द आंसर शुड बी विजिबल बोथ द आंसर शुड बी विजिबल समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया समझ में आ गया क्योंकि एग्जामिनर जो है वो टीचर है हमारे बाप का नौकर नहीं है याद रखिए इस वजह से जो आंसर है वो कायदे से प्रेजेंट होना चाहिए आई रिक्वेस्ट एवरी वन ह्यूमर इंटेंशनली डालता है कि क्लास में बात एंगेजिंग रहे क्लास एंगेजिंग रहे प्लीज डोंट डिस्काउंट द वैल्यू ऑफ वॉट आई एम जो बोल रहा है वहां पे नंबर जाएगा नाइनटी एट नाइंटी नाइन वाला कैटेगरी फिर वहां पे आता है समझ में आ गया अब आगे बढ़ते हैं सर एक और क्वेश्चन देते हैं उसके बाद लेट्स सी। डाउट्स लेना है कि क्या करना है क्वेश्चन लिखे आप लोग सेवन एक्स प्लस वन बाई सेवन एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू थ्री एक्स प्लस वन बाई फाइव एक्स प्लस वन शूट कम ऑन यार कम ऑन फटाफट यार परफेक्ट परफेक्ट आराम से आराम से दोस्त शौर्या ओ अथर प्लीज डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड बाबू कोई बात नहीं आप अप लोग अपना फोकस करें अभी ना प्लीज फोकस यार है ना अच्छा एक सेकेंड मिलवाइल आप लोग सॉल्व कर रहे हो एक दो जनों से एक क्वेश्चन है मतलब आप लोग को जिसको डेटा है पता ना ये जैसे वेंसडे को ये कुछ रामनवमी है क्या तो स्कूल का छुट्टी है क्या जनरल पूछ रहा है ऐसे मेरे को कोई काम नहीं है जस्ट इन जनरल कुछ ऐसा कुछ ऐसा अनाउंस नहीं दिया तो आएगा ओके कोई नहीं कोई नहीं बस इन जनरल इन जनरल आई वाज आस्किंग कोई इशू नहीं है तो ठीक है ना कोई इशू नहीं चलिए ना नहीं एक्चुअली हम ट्वेल्व का बैच के लिए गया पूछ रहा था आप लोग का पूछ भी नहीं रहा था जस्ट एक आइडिया मिल जाए ना स्कूल्स का और कुछ नहीं प्लीज सॉल्व इट ना सॉल्व इट प्लीज एवरीवन वन रुद्रांश होप यू आर ट्राइंग इट आउट यार ट्राई कर रहे हो नहीं ठीक है ही वॉज फोकस्ड ना बढ़िया है सही है ट्राई करें आप लोग मैं दो मिनट बाद सम स्टार्ट करूंगा देखो इसको सॉल्व करना है ना पावर सामने सामने है तो मल्टीप्लाई हो जाता है तो बस इसमें वन इंटू फोर फोर हो गया बस हो गया ठीक है अब यहां पर ध्यान दीजिए वन बाई है तो इसको पावर में माइनस फोर कर सकते हैं है हाँ ना प्लीज प्लीज है ना और इन टू हाफ हो गया है ना तो टू टू हो गया हाँ या ना सो डियर थ्री माइनस टू हो गया तो वन बाई थ्री स्क्वायर यानी वन बाई नाइन हो गया ना परफेक्ट चलिए आप लोग देखेंगे एवरीबॉडी यहां पे ध्यान देंगे अभी ना एक बार मेरे को दिखाना क्या अटेम्प्ट किया अभी तक जो पूरा सम नहीं भी हुआ इट रियली मैटर अटैम्प्ट लेकर आओ शॉरिया यू आर टू लाउड प्लीज अविनव दिखाएं आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू आर इंटरनिंग टू प्लान हाँ ठीक है बस एक मिस्टेक हुआ है आपका ये देखें आप देखो यहां पर प्लस वन लिखा और फाइव एक्स प्लस वन लिखा दैट्स गुड यहां मिस्टेक क्या किया है यहां पर प्लस वन नहीं है जब ये तुम नहीं लिखता है प्लस वन इसका मतलब है तुम चारों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है विच इज़ नॉट द केस तुम यही तो चाह रहे हैं ना कि थ्री एक्स को सेवन एक्स प्लस फाइव से मल्टीप्लाई करें और वन को सेवन एक्स प्लस फाइव से मल्टीप्लाई करें तो दोस्त गलती आपका यहाँ पे आपने प्लस साइन नहीं दिया जैसे यहाँ दिया है सही huh? uh, है ना प्लीज डू विट यार एंड अविन प्लीज सिट हियर हाँ इन दिस वन सेकेंड बेंच प्लीज फटाफट एंड बातचीत नहीं प्लीज है ना क्या है ना बाकी बच्चा लोग डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ना अपना कोई दिक्कत नहीं है अब आप लोग देखो यहाँ पर यहां पर देखें आप लोग दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई किसने किसने किया यार ये प्लान किया परफेक्ट है।, है उसके बाद दोस्त वी विल जस्ट मल्टीप्लाई वी विल जस्ट वी विल जस्ट मल्टीप्लाई सो यानी कि सेवन एक्स है इंटू फाइव एक्स प्लस वन है सेवन एक्स है एक मिनट देख लें आप लोग प्लीज फाइव एक्स प्लस वन है यहां पे प्लस वन है और इन टू ये भी क्या हो गया बोलिए फाइव एक्स प्लस वन है बराबर है जी यस सर बातचीत बराबर है इज इक्वल्स टू थ्री एक्स है इंटू सेवन एक्स प्लस फाइव है सेवन एक्स प्लस फाइव है राइट फिर दोस्त प्लस वन है इन टू सेवन एक्स प्लस फाइव है एक सिली मिस्टेक अभिनव से हुआ एंड विच इज ओके मतलब इट्स वेरी कॉमन जो नहीं हो वह है कि इसने ये प्लस साइन नहीं दिया तो बाबू अगर प्लस साइन नहीं दे रहे हो इट वुड मीन कि आप इन चारों को मल्टीप्लाई करने का इंटेंशन रख रहे हो सो so यहाँ आपको क्या लगाना पड़ेगा बोलिए प्लस क्या लगाना पड़ेगा बोलिए प्लस बराबर है जी सो वॉट आई टेल एवरी वन इज सो वॉट आई टेल एवरी वन इज दैट एम्प्लाइज सेवन एक्स इंटू फाइव एक्स जो हो गया वो हो गया थर्टी फाइव एक्स स्क्स सेवन एक्स इंटू वन हो गया सेवन एक्स वन इंटू फाइव एक्स हो गया फाइव एक्स वन इंटू वन हो गया वन वैसे ही थ्री एक्स इंटू सेवन एक्स हो गया ट्वेंटी वन एक्स स्क्वायर थ्री एक्स इंटू फाइव हो गया फिफ्टीन एक्स वन इंटू सेवन एक्स हो गया सेवन एक्स और वन इंटू फाइव हो गया फाइव

और प्लस वन और माइनस फाइव यानी कि कितना हो रहा है माइनस फोर हाँ ना बोलना होगा कम ऑन यार आई होप क्लियर है यस सर राइट सर बराबर है डियर स्टूडेंट्स करेक्ट है सो so, मैं ये बोलने लग रहा हूँ ये बोलने लग रहा हूँ कि थर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी वन बोलो बोलो थर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी वन यानी कितना हो गया बताओ फोर्टीन एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स इक्वल्स टू जीरो हाँ या ना और नो यार केशव बाबू इधर तक क्यों हो श्योर है लाओ लाओ कॉपी लाओ प्लीज नहीं प्लीज नहीं सही है दोस्त परफेक्ट है अब बाबू ध्यान से सुनिएगा आप लोग क्या होता है ना कि अगर ऐसा इक्वेशन आया जहाँ कुछ कॉमन निकल रहा हो आप लोग उसको कॉमन ले सकते हैं रुद्रांश हर्षित यस और नो ऑनलाइन में हर्षित यस और नो दोस्त यस सर सो so मैं ये कह रहा हूं कि टू अगर कॉमन ले लिया सेवन एक्सक्वास टू जीरो चला गया रहने दो तो सेवन 5x माइनस फाइव एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो अभी वॉट आई टेल इज सेवन इन टू माइनस टू कितना हो गया बोलिए माइनस फोर्टीन और ये है बाबू आप लोग के पास माइनस फाइव हाँ ना बोलना होगा अब दे आर सेंग कि मुझे माइनस फाइव चाहिए क्या चाहिए माइनस फाइव माइनस फाइव तभी आ सकता है जब हम लोग क्या करें माइनस सेवन प्लस टू तो सेवन एक्स स्क्वायर हाँ यार ना बोलना तो अगर सेवन एक्स कॉमन ले लिया प्लस टू कॉमन ले लिया X -1. So, एक ब्रैकेट में इसमें क्या आ गया बोलो एक्स माइनस वन और बचा क्या बोलो 7X plus 2 equals to 0. किसको किसको clear है हाथ उठाना प्लीज फैंटास्टिक अथर्व क्लियर है भाई तो बस अब अथर्व बाइनस वन इक्वल टू जीरो करना है ना तो एक्स आ गया अथर्व आपका वन एंड सिमिलरली मुद्रिका आप देखिए सेवन एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो करना है आपको तो मुद्रिका आप देखिए आपका सेवन एक्स इक्वल टू माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस टू बाई सेवन आया तो ये हो गया बने क्या फैंटास्टिक भाई किसको किसको क्लियर हाथ उठाना प्लीज कम ऑन ग्रेट ग्रेट तो दोस्तों ये तो मैंने क्या है ना ये वाला पोर्शन कोई बच्चा मिस कर रहा है तो उनके लिए रिकॉर्ड कर लिया है अब मैं डाउट ले रहा हूं तो वो वाला पोर्शन मैं रिकॉर्ड नहीं कर